धार जिले में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में लगातार अवैध शराब परिवहन पर धार पुलिस की कार्यवाही जारी है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही धार जिले के गंधवानी में लगभग 1000 पेटी अवैध शराब की खेप पकड़ी गई थी। वहीं आज मुखबिर की सूचना पर बड़वानी से अलीराजपुर की ओर जा रही लगभग 1270 पेटी अवैध शराब से भरी गाड़ी को कुक्षी पुलिस ने घेराबंदी कर लोहारी स्थित पेट्रोल पंप से पकड़ा, जिसमें से चालक फरार हो गया। वहीं गाड़ी से दो साथियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। उक्त कार्यवाही धार SP मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में SDOP धीरज बब्बर और कुक्षी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मालवीय के मार्गदर्शन में कार्यवाही की, जिसमें 1270 पेटी माउंट बियर थी, जिसकी तकरीबन कीमत 36 लाख रुपए है। वहीं ट्रक की कीमत 20 लाख रुपए बताई गई। कुल अनुमानित 56 लाख की मशरूका जब्त की है। कुक्षी से सईद अनवर खान की रिपोर्ट। थाना कुक्षी अंतर्गत एक बहुत ही शराब की जब्ती की बड़ी कार्रवाई हुई है। मुखबिर सूचना पर आज सुबह के वक्त में थाना कुक्षी में लोहारी पेट्रोल पंप के पास में एक बड़े ट्रक को पकड़ा है और उसमें से जब चेक किया गया है तो 1000 से अधिक, करीब 1300 के आसपास पेटियां, जो कि माउंट पियर 6000 की हैं, वो जब्त की गई है। उसकी काउंटिंग की प्रक्रिया भी जारी है। ट्रक में जो है आरोपी थे, उसमें से दो लोग मिले हैं, एक शंकर और भीलू, दोनों अलीराजपुर तरफ के रहने वाले हैं। एक सुरेश नामक ड्राइवर है जो जानकारी में अभी फरार हुआ है। जो शराब के बारे में जानकारी ली गई है तो वो ठीकरी बड़वानी तरफ से आना और अलीराजपुर तरफ उसका जाना प्रारंभिक रूप से पता चला है। पुलिस के द्वारा इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और बाकी शराब के अन्य आरोपी और उसके आने जाने के रूट्स, बाकी सब में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, शराब की कीमत लगभग कितनी होगी? ये करीब 1300 करीब पेटी है, 1200 से पेटी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।